अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बिल्कुल मुनफरिद चाट बनाना बता रही हूँ। ये शकरकंदी की चाट है, ये बॉयल शकरकंदी, दो शकरकंदियाँ हैं, इनको बॉयल करके इनको मैंने पीसेस में काट लिया है। ये बॉयल चने हैं, दही है, ये दही, इसके साथ दही में ये मसाला जाएगा, ये है काला नमक, ये भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ धनिया, कुटा हुआ मिर्च और ये पुदीना, ये मसाला सब दही में जाएगा। अब आप देखें, मैं इसकी मिलाती हूँ मैं इसको। ये इसमें पहले मैं चने डालूँगी, मैं ये चने डाले मैंने, मिला दीजिए इसको इस तरह। उसके बाद इसमें आप ये उबले हुए शकरकंदी, उबली हुई शकरकंदी जो है इसको आप डालें इस तरह। फिर आप इसको हल्के से, मगर इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है क्योंकि उबली हुई शकरकंदी ये मैश हो सकती है। ये इस तरह चला दिया। फिर इसके बाद इसमें फिर हमने छले छले डाल दिए, उबले हुए चले हैं ये, हल्के से नमक के साथ उबाले मैंने, ये डालें। उसके बाद फिर ये शकरकंदी डाल दी, ये चने की चाट है, चने और शकरकंदी की चाट है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा, थोड़ी सी मीठी चटनी जो होती है वो इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरह करते हैं। मैं ये मेरी बनी हुई मीठी चटनी है, इसको बनाने की तरकीब भी मैं आपको अपने मैं वीडियो में डालूंगी, आप देखिएगा। ये घर में बनी हुई मीठी चटनी है। इसके ऊपर ये आप हल्के से ये देखिए इस तरह ये स्प्रिंकल कर लें, ये आपके चने और शकरकंदी की चाट है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा ये चाट मसाला छिड़क दें इस तरह करके। डिफरेंट किस्म के आपके छोले और शकरकंदी की चाट ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।